ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਪਾ ਚਲੀਏ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਐਨੇ ਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਲਗਾ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ मैं बोलांगा भी असी बड़ी मेहनत करके फिल्म बनाई है ते रब करे हिट होए गाने साडे ट्रेंडिंग चल रहे हैं सारे दे सारे और फिल्म भी अच्छी है कॉमेडी फिल्म है सब नु पसंद आएगी जो भी देखन जाएगा टाइटल लगा चल पाज चलिए भाई कॉलेज टाइम पे भजाया नहीं हां जी टाइम पे कदे किसी नु भजाया नहीं नहीं सानू ही लोग भजांदे रहे असी किसी नु नहीं भजाया वो टाइम ओवर सी आजकल दे बच्चे भजा रहे ने जो भजा रहे साढ़े बेटे भजा रहे हैं चक्कर में मेरे आधा घंटा डिले हो गया आई एम वेरी वेरी सॉरी सॉरी थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आई वोंट हैव मेड यू वेट फॉर सो लॉन्ग सॉरी नहीं 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 पर इस बात का हम नाजायज फायदा नहीं उठाते हैं आई अप्रिशिएट आप लोग टाइम पर आते हैं आई अप्रिशिएट द फैक्ट दैट यू आर ऑलवेज देयर फॉर अस सो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी तरफ से लेट करें सॉरी आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द पंजाबी इंडस्ट्री सिंस वेरी लॉन्ग और मुझे पर्टिकुलरली ये कैरेक्टर जो था प्रभ का बहुत ज़्यादा लुभाया एंड आई वॉज लाइक दिस इज माई राइट एग्जैक्टली माई राइट पाथ ऑफ एंटरिंग द पंजाबी इंडस्ट्री What is your preparation, you know? क्योंकि comedy play, you know, comedy बहुत important art है किसी को रुला देना तो आसान हो जाता है लेकिन comedy में timing वो सब बहुत important है preparation मेरे लिए कॉमेडी बिट वाला नहीं था मेरे लिए सबसे बड़ा प्रिपरेशन पंजाबी में फ्लुएंट होना था और उसके लिए मैंने वर्कशॉप्स ली उसके लिए मेरे पास एक डेडिकेटेड असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे सेट पर जो मैं मतलब सीन पे जाने से कम 4 या 5 बार तो फुल ऑन रिहर्सल्स करती थी एंड रियली मैं आपसे कहूँ तो मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि दैट आई एम बैक टू माई नर्सरी बैक टू माई स्कूल वेर आई एम लर्निंग फ्रॉम ए टू जी एवरी थिंग रूबीना डिड यू माउथ पंजाबी कर लो चंगी तरह बोलती है मतलब एकदम चंगी तरह जब मुझे पहली बार मेरी स्क्रिप्ट मिली थी स्क्रिप्ट के मतलब फर्स्ट पेज पे लिखा था प्रभ द चार्मिंग गर्ल सो एक्चुअली ये जो कैरेक्टर है प्रभ वो है ही बहुत चार्मिंग शी ड्रॉज एवरीबडीज अटेंशन एंड प्रभ और शिंदा कैसे इस पूरी कहानी में इस पूरी उलझन में अपने आप को बाहर निकालते हुए कैसे फिर से फंसते हैं और कैसे अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालते हैं द फिल्म इज़ ऑल अबाउट दैट एंड यस वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स मेरी पहली पंजाबी फिल्म है और आपका प्यार और आपका साथ तो डेफिनेटली चाहिए सो माई कैरेक्टर आई एम ओरिजिनली फ्रॉम द US कैलिफोर्निया सो माई कैरेक्टर इज़ वेरी सिमिलर टू मी शी इज़ एक्चुअली कमिंग बैक होम फ्रॉम पंजाब टू विजिट हर फैमिली इन द पेंट बाहर गई थी थोड़ी पढ़ाई करने के लिए सो शी इज़ कमिंग बैक होम टू हर फैमिली एंड इन द फिल्म यू बेसिकली सी हर जर्नी यू सी हाउ शी गेट्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद द पर्सन शी इज़ एट द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म एंड हाउ शी इज़ एट द एंड उसके साथ जो इंस्टेंसेस होते हैं फिल्म में यू सी अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द फिल्म फॉर मी सो या दैट्स द माय कैरेक्टर बहुत बहुत खुशी होती है मैं इसको सिखाऊंगी अभी करेगा डांस करेगा हमारे साथ क्लोज रहिए बाहर जा रहे हैं बार-बार सर सर आप क्लोज में रहिए सर अंदर रहिए बाहर तो जा रहे हैं तो हमारा जो गाने हैं फिल्म के वो बहुत ही बढ़िया है मतलब दे आर अभी आपको हर वेडिंग सीजन में आपको हर टू ट्रेंडिंग सॉन्ग या सो आपको हर वेडिंग सीजन में हमारे गाने सुनने को मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार है एक गाना तो इंदर ने खुद गाया है जो हमारी फिल्म के हीरो है और चल पा चलिए तो अभी भी मैं देख रही थी इट्स ऑन ट्रेंडिंग सो वी आर ग्लैड That everybody is liking the music. वो कहते हैं ना अगर music successful हो गया तो film is on the path of success. So fingers crossed. अकेले करना मुझे बोल रहे हैं. किसका परशामा का? नहीं नहीं. हाँ जी में. हाँ. I know that too. हाँ. ठीक. करे? शुरू कैसे था? जी में. हाँ. ठीक है. चलो. गाना नहीं आता. गाना तुम गाना. ठीक है रेडी सेट जी जी रहना
ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂੰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂੰ ਇੰਦਰ ਹਮਕੋ ਪਲੀਜ਼ ਪੀਟਨਾ ਬਸ ਤੁਹਾਰਾ ਗਾਣਾ ਹਮਨੇ ਬਰਬਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਹਮਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ मतलब ऐसा सांस अटकी पड़ी है एक्चुअली सांस अटकी पड़ी है इसलिए नहीं फिर भी अटकी पड़ी है क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा अप्रूवल जनता का अप्रूवल है सो जनता का अप्रूवल यस जनता जनार्दन है इफ दे लव द फिल्म मतलब इट्स अप्रूव्ड फिर उसके आगे कोई अप्रूवल काम नहीं आता बट यस वी आर मतलब भगवान प्लीज आज अच्छा और 5th अप्रैल को धमाका नो बट मुझे पता भी नहीं था कॉमेडी फिल्म था मेरे सुनने में आ गई मैडम हमने हाँ कॉमेडी तो है मतलब जो खतरों में था हम साथ में तो बहुत साथी थी लड़ती थी इससे ज़्यादा कोई नहीं कॉमेडी कर सकता है वो तो हम कॉमेडी करते थे पर लड़ती तो बहुत थी हमारे साथ पर कॉमेडी बहुत करती थी साथ में बिग बॉस यू आर सपोज्ड टू से गुड थिंग्स अबाउट मी टुडे इट्स माय फिल्म्स प्रीमियर अच्छी अच्छी बातें बोलो लड़ना मरना मत बोलो बहुत प्यारी है बहुत अच्छी करती है बहुत कॉमेडी करती है इंसान है ही नहीं पैदा हुई है जिंदगी में और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है बहुत इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी टू बी ना कि तू कॉमेडी कर रही है बिकॉज आई थिंक कॉमेडी का जो स्पेस है ना सबसे अच्छा स्पेस होता है एंड इट्स वेरी हार्ड टू मेक पीपल लाफ सो आई थिंक दैट जो स्पेस आप आ रहे हो ना नाउ यू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज मीट मेक पीपल लाफ यस यस आई अंडरस्टैंड दैट इट्स वेरी इजी फॉर यू राइट नाउ दो जो टाइटल है चल चलिए अगर भागना हो तो आप कहां भागेंगे ये सब खत्म करने के बाद घर भागूंगी आई हैव टू प्रेशियस जेम्स वेटिंग होम थैंक यू जी हां जी जैसे आपने कहा कि सुबह के प्रेयर करते हैं क्योंकि फिल्म आपकी आप सबकी फिल्म में हाँ जी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और पहली शुरुआत करने जा रहे हैं आप जी देखो मेकअप करके आई हूँ पसीना छूट रहा है तो लग रहा है ओह गॉड नाउ व्हाट्स गोना हैपन और अभी तो मैं अपनी फिल्म पहली बार देखने वाली हूँ तो इसीलिए दिल में ऐसे दुगदुगी ये सब हो रही है तो आई डोंट नो अपने फिल्म से किसे दिखाना चाहेंगी या इंडस्ट्री से अगर किसी को दिखाना हो तो किसे दिखाना चाहेंगी किसे दिखाना चाहूंगी मैं आज मतलब दिल से चाहती थी कि आज अभिनव इस प्रीमियर पे हो बट किसी कारणवश वो नहीं है इस प्रीमियर पर बट अभी जिस दिन रिलीज़ होने वाली है हम वी आर गोइंग टू गो बैक टू पंजाब एंड वॉच द फिल्म टुगेदर मुझे उनका अप्रूवल बहुत ज़्यादा मायने रखता है और रोहित सर ऑफ कोर्स यार आई मीन लाइक ही इज़ वन पर्सन के जिनका वो बोलते हैं ना हिज क्रिटिक टूवर्ड्स द वर्क इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यस I'm very excited to finally see it on the big screen. Rubina and me especially, I feel like we put in double the amount of work because hum dono ko point A se shuru karna tha. Punjabi dono ko seekhni thi. Jo wo, and I feel like it was harder for Rubina actually because she had to play like a puri jansi paint ki ladki hoti hai. So she had to really pick up that accent. So just very excited and so nervous for the first time seeing our movie. तो यही है कि ऑडियंस को सबको पसंद आए हमारी मूवी
तो अब्रॉड से आके ये पंजाबी फिल्म बनाने का कैसा आइडिया है आपको? हम पंजाबी हैं तो इस करके पंजाबी मूवी बनाने का ही आया हमें कि हमने पंजाबी बनानी है मूवी ना। यूएसए में पंजाबी मूवी का बहुत बड़ा ट्रेंड है, सो जब हम जाते थे थिएटर में कुछ देखना तो हमारा दिल करता था पंजाबी हम प्रोड्यूस करें, सो वो घड़ी आ गई जो हमने प्रोड्यूस करी। क्या कहानी क्या है? कहानी कहेंगे तो कहानी दो विलेज की है, जैसे दो पिंडों की है कहानी, तो उनके बीच में जैसे कई सालों से याद होता आ रहा है कि लड़ाई होती है कि उनकी लड़की को वो हमेशा भगा लेते हैं, तो अब आप देखना कि मूवी में होता क्या है ना, नेक्स्ट क्या होता है कि लाइक इट्स वेरी एक्साइटमेंट। लड़की के बदले में लड़का तो नहीं भगा दिया? नहीं नहीं भगाते तो लड़की हैं, तो यही देखना है कि कैसे होता है क्या होता है, हंसी मजाक है। तो भाग के क्या अब्रॉड जाते हैं, कहाँ जाते हैं? नहीं भाग के उसी पिंड में ही जाते हैं। तो ज्यादा देखने ज्यादा मतलब जाने के लिए देखनी पड़ेगी। हाँ जी, ये जानने के लिए आपको तो मूवी देखनी पड़ेगी। और हमारे गाने भी बहुत अच्छे हैं, छह गाने हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों ने गाए हैं और गाने ट्रेंड पे भी हैं सारे। हाँ जी, ट्रेंडिंग पे आ गए हैं सब गाने। राष्ट्रपति अली खान है, निंजा है, गुरनाम पुल्लर है, छिप्रा निछत्तर, निछत्तर के लश छिप्रा सुनीति चौहान है, सुनीति चौहान। सो आप प्लीज इंदर चहल आप प्लीज जरूर सुनना और वॉच करना, प्लीज हमें सपोर्ट करना। सेंसर बोर्ड में गए थे, कितने कुछ कट्स मिले या कुछ नहीं? कुछ कट्स सब स्मूथ हुआ, सब स्मूथ, सब स्मूथ हुआ। हमारी मूवी में कोई ऐसा नहीं है जो सेंसर ऑब्जेक्शन करेगा, तो एवरीथिंग वाज गुड। फैमिली मूवी है, आप किसी के भी साथ बैठ के देख सकते हो मूवी, इट्स अ फन मूवी। बहुत एक्साइटेड हूँ रुबीना को देखने के लिए, उनकी पहली पिक्चर है ये। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एक नया कदम है, सो जिस तरह वो अब तक लोगों को एंटरटेन करती आई हैं, चाहे वो टीवी हो, अब फिल्म्स की बारी है, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हिम। जी बिल्कुल, मैंने फिल्म के प्रोमो देखे हैं, मैंने उनका सॉन्ग देखा है, सो अब बस फिल्म देखने की बारी है और फिल्म देखने के बाद मैं आपसे बात करूँगी। थैंक यू सो मच। सब तो पहला जी मैं पंजाबी च गल करूँगा, सारे नु सत श्री अकाल, ठीक है जी। सारी टीम नु बहुत बहुत मुबारक। अजय मैं फिल्म का ट्रेलर देखा, फिल्म मुझे देखनी बाकी आ, क्योंकि मैं पंजाब तो पंजाब का रहने वाला, पंजाब नु बिलोंग करना, तो फिल्म का मैं ट्रेलर देखा, तो पहला तो टाइटल तो कुछ समझ नहीं आ रहा सी, बट जो ट्रेलर देखा तो बहुत सारिया चीज़ा कनैक्ट हो गई मैं, वो इसलिए कि मैं पंजाब के पिंड का रहने वाला, जदों किसी एक पिंड की कुड़ी कोई दूजे पिंड का मुंडा भजा लेंदा सी ना, तो दूजे पिंड वाले खुंदक च आ जाते थे कि जे इन्होंने साढ़े पिंड की कुड़ी भजाई है तो असी भी इन्होंने पिंड की कुड़ी भजा के दिखावे, तो वो चीज़ मैं इस फिल्म देखी तो मैं उस चीज़ का कनैक्ट हो गई है। ट्रेलर देखिया बहुत वधिया लगे, तो हम बस जल्दी फिल्म देखा, तो उम्मीद करते हैं कि फिल्म बहुत वधिया है। डेफिनेटली फिल्म के गाने बहुत चंगे ने, और खास करके गुरनाम भुल्लर का गाना बहुत सोहना गाना, बहुत वधिया है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा, तो फिल्म देखते हैं, बाकी फिल्म देखने तो बाद। आई विश और रियली ऑल द बेस्ट, मेरी पहली मूवी उनके साथ ही थी, एंड आई विश कि उनकी और आने वाली मूवीज ऐसे ही बैक टू बैक आते जाए और मैं ऐसे ही प्रेमर पाते। और आज आपका सॉन्ग भी आया है? मेरी फिल्म आ रही है, काम चालू है 19 अप्रैल को, अगेन राजपाल जी के साथ, तो आई होप ये एक बहुत ही स्पेशल मुद्दे के ऊपर फिल्म है जो हम सबके ज़िंदगी में आजकल बहुत ज़्यादा है, खट्टों के ऊपर है, तो लेकिन आज ये फिल्म के लिए मैं आया हूँ, तो इसके लिए बात करूँगा। ऑल द बेस्ट रुबीना एंड द टीम, थैंक यू। ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ऑसम लग रहा है जो भी मैंने इनके ग्लिम्स देखे हैं, एंड आई कांट वेट टू वॉच द फिल्म, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू रुबीना एंड हर एंटायर टीम। आई होप कि ये फिल्म बहुत बड़ी सक्सेस हो और या वेरी वेरी एक्साइटेड। थैंक यू जनरल जी, आप लोग
सो इंदर भाई और रुबीना जी की फिल्म जो है रिलीज हो रही है 5th को, चल पा चलिए। बीइंग ए पंजाबी मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि ये टाइटल जो है ना बहुत ही कॉमेडी है, क्योंकि इसके बीच में ये चल पा चलिए मतलब कुछ ना कुछ तो कॉमेडी बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि पंजाबी फिल्म वैसे भी कॉमेडी बहुत अच्छी सक्सेस होती है और मैं विश करता हूँ कि ये फिल्म भी वैसे ही बहुत बड़ी सक्सेस हो एंड गुड लक। आई विश वेरी गुड लक, बहुत बड़ी सक्सेस हो क्योंकि ये मेरी फैमिली की मूवी है, मेरे सारे अपने लोग हैं इसमें, तो आई विश कि ये बहुत बड़ी हिट हो। एंड मैं नॉन पंजाबी हूँ बट मैं फिर भी देखने जा रही हूँ, देखते हैं फर्स्ट टाइम में कुछ समझ आता है कि नहीं, बट यस। सिर्फ पंजाबी नहीं, तो आपके सामने एग्जांपल है कि जो नॉन पंजाबी लोग हैं वो भी देखते हैं, क्योंकि बहुत मजा आता है। तो आप जाके देख के आना। चलो रोल, पहली फिल्म 5th को रिलीज हो रही है, चल बच चलिए, भज चलिए, भज भाग चले, चल भाग। तो क्या कहना चाहेंगे रुबीना जी के लिए? सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन ये मूवी के लिए रुबीना दिलेक। हमने ये मूवी के बारे में बात किए थे मेरे पॉडकास्ट पे भी, तो थोड़ा प्रमोशन होना चाहिए पॉडकास्ट का भी। और यार बहुत एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए मूवी, और रुबीना है इसमें, तो यार मेरे को तो देखना है कि उसने किस तरीके का काम किए, कैसा काम किए, और इंशाल्लाह वो अच्छा ही काम की होगी और बहुत टैलेंटेड है वो। तो बस मेरी यही दुआ है कि उसकी ये मूवी जो पहली आई है वो खूब चले, ब्लॉकबस्टर, और लोग बहुत पसंद करें उसकी एक्टिंग को भी, और इसे इंशाल्लाह और भी काम मिले। अच्छा, उनके 3 गाने ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, तो आप किसी गाने का रील बनाने वाले हैं? भाई बनाएंगे इंशाल्लाह, और हम लोग ऐसे ही है, हम लोग बहुत सपोर्टिव है, इंशाल्लाह उसका जो भी सॉन्ग रहेगा रुबीना के साथ में पूरी कोशिश करेंगे कि वो मूवी को अच्छा पुश मिले, जितनी चीज़ें हम बनाए इंस्टाग्राम पे अपने एक्सप्लोर कराएँ। थैंक यू सो मच। फिल्म 5th को रिलीज हो रही, चल भाग चलिए, भाग चलिए मतलब भाग चले, तो क्या विश करना चाहेंगे रुबीना और सारी कास्ट को? पहली बात तो बहुत बड़ा लाइक यू नो गैप हो गया है रीयूनियन में, बिग बॉस के बहुत बाद अब मिल रहे हम लोग, एंड बहुत अच्छे मौके पे मिल रहे हैं। सो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट रुबीना एंड ऑलवेज देयर इज लव फॉर हर, आई विश हर ऑल द बेस्ट, जो भी वो करती है बहुत ही अच्छे से, शिद्दत से और पूरे हार्डवर्क से करती है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द फिल्म एंड आई विश हर एंड द एंटायर टीम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इसने तो अमिताभ को हिला दिया था, मैं इसके आगे मैं क्या बोलूँ। बॉलीवुड ने बहुत प्यार दिया, बट पंजाबी हमेशा मेरे बहुत क्लोज रही है, मेरे चाह भी है, तो यहाँ मैं स्पेशली आया हूँ अलीशा सुदन के लिए। शी सच अ ग्रेसफुल एंड वेरी वेरी एलिगेंट, सो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और पूरी टीम को बेस्ट ऑफ लक, और पिक्चर इतनी बड़ी है, चलिए कि और फिल्म बनाने के बोलिए, चल पा चलिए और बनाइए, है ना, नाम बहुत कैची है, तो आई रियली लव इट एंड लाइक इट, सो दैट्स इट, चलो उड़ा चलिए। नहीं, चलो पच के मूवी देखन चलिए। मैम 5 करोड़ जब अमिताभ बच्चन के सामने आपने जीता, तो कैसा लग रहा था? आज फिल्म का रिव्यू देना हो तो क्या बोलेंगे आप? जैसे मैं 0 से लेकर 5 करोड़ तक पहुंची थी, मैं भी ऐसी विश करती हूँ कि ये भी मूवी ऐसी पचती ऊपर तक पहुंच जाए, बस ऑल द बेस्ट। और पंजाबी एटीट्यूड तो चढ़ना ही चढ़ना, जो मर्जी चढ़दी कला, ऑलवेज इन चढ़दी कला, वी कॉल इट चढ़दी कला। हमने हमेशा ना, हम दोनों ने हमेशा मेन है पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत रखा है, जो कि मेन एक पंजाबी कल्चर है, तो वो रहेगा तो ऊपर जाएंगे जाएंगे चढ़दी कला। एक पहले पंजाबी पिक्चरें थी तो देखने का बड़ा मन करता था, बीच में पता नहीं क्यों डाउनफॉल आ गया था, बट अभी जो है पंजाबी का ये अलग है कि बॉलीवुड भी चाहती है कि वो पंजाबी के जो पंजाबियत है इधर आए, सो आई एम रियली हैप्पी कि पंजाबी जो है ऊपर चढ़ रही है, एंड वेरी सून आई वुड लव टू डू पंजाबी फिल्म्स आल्सो, जो है सो ऑफकोर्स जो पहला दौर था पंजाबी का जो आपने आपको पता है डाउन आ गया था, बट अब वापस चला, तो इट इज वेरी, आई एम रियली वेरी हैप्पी टू सी दैट। आजकल हर एक को क्रेज है पंजाबी मूवी देखने का, बॉलीवुड में भी पंजाबी एक गाना जरूर होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं इसकी कास्टिंग में जुड़ा हुआ हूँ, इनका बराबर ने कास्टिंग नाम डाल दिया, मिलजुल के किया हुआ है, किसी को सजेशन दे देना कास्टिंग नहीं होती, बट हाँ मैं जुड़ा हूँ इस फिल्म से।
फिल्म बड़ी अच्छी है, 5 तारीख को आ रही है और हमारी फिल्म ही आ रही है। बड़े अच्छे कलाकार हैं इसके अंदर, इंदर चहल है, उसकी पहली फिल्म है, दो उसने 3-4 फिल्में की हैं लेकिन हमारी पहली फिल्म रिलीज़ हो रही है। चा में लड़के में गाने बहुत अच्छे हैं, राहत फतेह अली खान, पंजाब के सारे आर्टिस्ट, गुरमीत साजन, निर्मल ऋषि जी, देन अपने सिंगर ने चौहान जी, सुनिधि चौहान, कौन बच गया, सारे ही हैं पंजाब की सारी असेंबल कास्ट है। बड़ी अच्छी फिल्म है, फन फील्ड है और बड़े दिनों बाद एक अच्छी फिल्म आ रही है सच में। जैसे कि फिल्म का टाइटल है चल भज चलिए, मतलब ये स्टोरी है दो पंजाब के पिंडा की, जिदे विच एक पिंड की कुड़ी नू दूजे पिंड वाले भजा के लै जाते हैं, उस तो बाद दूजे पिंड वाले भी बदल लेंगे, सब बता दिया। तो इसे कॉमेडी मूवी कॉमेडी मूवी जो कि सारी एकता होती है पंजाब विच वो दिखाई गई है। मैं इसमें जुड़ा हूँ इस प्रोजेक्ट से, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।